हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में क्या बेटा, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल्स क्या ये पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था ये बताओ। हम लोगों ने पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना पढ़ लिया था है ना, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था ना, कोएफिशिएंट हम कैसे करते हैं फाइंड आउट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया था हाँ, और फिर आपने क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले, कौन सा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, उसके बेस पर हम लोग उसका टाइप्स देखेंगे। टाइप्स देखो बच्चा, तो सबसे पहले इसमें क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ टर्म के बेस पर सबसे पहले कौन सा आता है, मोनोमियल, कौन सा आता है बताओ, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं मोनोमियल्स, एक पदी बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक पदी, बहुपद है ना, तो क्या होता है द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स विच हैव ओनली वन टर्म, ओनली वन और सिंगल टर्म, सिंगल टर्म जिसमें केवल कितने हो, एक ही टर्म है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें, एक्स अपॉन टू, एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स, फोर एक्स है ना, टेन वाई, हंड्रेड एक्स, इस तरह के, ये क्या है, ये मोनोमियल है ना। देखो सो मैं एक ही टर्म है ना, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हिंदी क्या लिखोगे, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, क्या लिखोगे, हाँ फटाफट लिख दो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकंड, सेकंड है इसके अंदर कौन सा, बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना, द्विपदी बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुपद, एग्जाम्पल में ये लिख देना, ठीक है लिख दिया एग्जाम्पल में, चलो आ जाओ हिंदी वालों को मैं मुंह से बोल दूंगा हिंदी, ठीक है ना, फटाक लिख लेना, अंग्रेजी में तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी में है ना, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ जाएं, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। देखो बाइनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल विच हैव द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स विच हैव, विच हैव ओनली टू टर्म, टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल हिंदी में क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद हो है ना। एग्जाम्पल देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इधर, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या छापोगे, थ्री एक्स प्लस टू, दिख रहा है दो ही टर्म है इसके अंदर है ना, अच्छा फोर एक्स माइनस वाई, ये भी बहुपद है, वेरिएबल तो है लेकिन इसमें दो ही पद है ना। देखो 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, दो ही टर्म है, x माइनस 2 एक्सेट्रा, x अपॉन 2 प्लस 8 एक्सेट्रा कर दो है ना, etc, ये हमारे क्या हो गए बाइनोमियल, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी छापो कवर से, ठीक आगे बढ़ते हैं, लिख लो अगला हमारे पास आएगा ट्राइनोमियल, क्या आएगा बताओ, हाँ बहुत बढ़िया ट्राइनोमियल, थर्ड नंबर पर आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल। अब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में,
त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, बहुपद त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी? द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स विच हैव ओनली थ्री टर्म्स, ओनली थ्री टर्म्स इच कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है ना। अच्छा एग्जाम क्या लिखोगे इसमें हिंदी? ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन ही पद हो, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखो, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, कितने पद है इसमें? थ्री टर्म है इसमें, ट्राइनोमियल। x स्क्वायर ऐसा कर दो, x प्लस वाई माइनस 3, एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y, सब में थ्री टर्म है, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 माइनस 2, सब पॉलिनोमियल है ना, लेकिन थ्री टर्म वाले हैं तो उसको नाम दिया गया है ट्राइनोमियल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इसके बाद जितने भी टर्म होंगे, चार टर्म होंगे, पांच टर्म होंगे, छह टर्म होंगे, जितने भी टर्म होंगे सबको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? वैसे दो टर्म वाले को भी कहते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन उसे नाम दिया गया स्पेशल बाइनोमियल। थ्री टर्म है तो भी उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, लेकिन नाम दिया गया उसको ट्राइनोमियल, है ना। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे एक थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे, नोट, नोट क्या लिखो, है ना, ये हमको स्टार बनाना नहीं आता है, चीटिंग कर गए हैं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो हम कौन सा दिखाने जा रहे हैं किसी को कैसा लिखते हैं, है? हम तो स्टार नहीं बनाएंगे, हम तो स्टार नहीं बनाएंगे, हम स्टार बनाएंगे स्टाइल वाला, ठीक है ना। चलो हम तो स्माइल बना देंगे, चलो बन जाओ, ये बन गए, क्या बन गए, हेलो स्माइल बन जाओ, हाँ हम तो ऐसा बना देंगे, है ना। और यहाँ लिख देंगे चलो मुस्कुराकर, क्या मुस्कुराकर लिख देंगे हम, और हाँ देखा, चलो आ जाओ इसमें क्या लिखेंगे, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री और मोर टर्म इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं है, मतलब हम इसे कह देंगे पॉलिनोमियल, तीन से ज्यादा टर्म है तो, ठीक है ना। हाँ करो इसे कॉपी, फिर बढ़ते आगे, है ना, चलो, है ना, हो गया। लिखो हेडिंग, गिरो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपदों के शून्यांक, बहुपदों के शून्यांक हिंदी में तो ये बोलते हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों ही बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का पढ़ाऊंगे। तुमको तो हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है ना। इसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी में सुनेगा, बोलूंगा मैं दोनों में कौन सा अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं तो हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी हमको आती नहीं, ठीक है, कितनी गंदी बात। देखो जीरोज क्या होते हैं, सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, बेटा पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब क्या है? इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल। सपोज को हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो है 3x माइनस 6, क्या है? हाँ, अब एक्स की ऐसी वैल्यू रखें, क्या रखें, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जो इसमें एक्स की जगह पुट करने पर जीरो हो जाए, एक्स की जगह पे
ऐसी वैल्यू रखें जो इसमें पुट करने पर जीरो हो जाए पूरी वैल्यू, उसे बोलेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द वैल्यू वेरिएबल्स विच मेक देम मेक द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इज इक्वल टू जीरो, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है ना। तुम क्या लिखोगे, तुम लिखो बहुपद में चर का वह मान, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, चर के उस मान को, देखो चर के उस मान को बहुपद का शून्यांक कहते हैं, चर के उस मान को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। देखो अब बताओ यहां पर x के जगह पे क्या रखा जाए कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू नहीं पता नहीं मालूम है ना क्या रखें, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहां px है ना वहां जीरो रख दो, क्या रख दो जीरो। तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है 3x-6, जीरो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इस पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जीरो, जीरो शून्यांक। तो पी एक्स की गिर गया कोई नहीं, तो पी एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे ये बन गया बेटा इक्वेशन, क्या बन गया 3x-6, क्या बन गया ये बन गया इक्वेशन, क्या बन गया equation. अब आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना आता है, करो सॉल्व, बताओ एक्स वैल्यू कितनी होगी। देखो क्या करते हैं, हमें 3x-6 = 0 लिख लेंगे, इसको पहले लिख लिया। अब हम पहले क्या करते हैं, देखो ये तो है बेटा वेरिएबल वाला टर्म, क्या है ये, हमें x फाइंड आउट करना है, और ये है कॉन्स्टेंट टर्म, तो 3x वेरिएबल को यहीं रखेंगे, कॉन्स्टेंट को भेजेंगे जीरो के उधर, तो जो इधर माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ 3x के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में, किसमें है बेटा समझो, मैंने कहा था आपको 3x भी लिखा होगा, तो इसका मतलब होता है 3 × x, क्या लिखा होता है बताओ 3 × x लिखा होता है, तो ये बताओ 3 किसमें है, मल्टीप्लाई में नहीं है x के साथ, तो यहां पर भी x के साथ 3 किसमें है मल्टीप्लाई में, तो जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाकर के डिवाइड में होता है, जो इधर माइनस में होता है वो जाकर इधर प्लस में होता है, ठीक है ना, और जो इधर प्लस में होता है वो जाकर इधर, और जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, और जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो यहां पर 3 किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू आएगा 6/3। अब देखो 6 को देंगे 3 से डिवाइड, तो 3 × 2 जा होता है 6 है ना, x की वैल्यू बताओ कितनी हुई 2, कितनी हुई, तो बताओ 2 क्या है इस पॉलीनोमियल का 0 है ना, तो क्या बोलेंगे 2 इज 0 ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ पॉलीनोमियल कौन सा 3x-6, ठीक है ना, या पॉलीनोमियल px लिख दो ओनली, सिंपल क्लियर हो जाएगा, ठीक बेटा। अब करो कॉपी अच्छे से, देखो पॉलीनोमियल अभी और क्वेश्चन समझाऊंगा तुम्हें, है ना, कि हम कैसे फाइंड करते हैं जीरोस, क्या करते हैं फाइंड आउट जीरोस।
जीरोस फाइंड आउट कर देना, हमें जीरोस फाइंड आउट करना पहले सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? जीरो फाइंड आउट करना। तुम्हारे पेपर में आएंगे फर्स्ट टर्म में भी और उसमें भी आएंगे शायद, तो टेस्ट वगैरह होगा। तुम्हारा टेस्ट हो गया, फिर होगा टेस्ट, एग्जाम होंगे। चलो कॉपी करो, हो गया कॉपी। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। देखो चलो जीरोस करने फाइंड आउट, ये हमारा था पहला पॉलीनोमियल, ठीक है ना। अब सेकंड, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस क्वेश्चन हमारे पास में है ना, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। जीरोस फाइंड आउट हमें करने हैं, तो कैसे किए जाएंगे जीरोस फाइंड आउट? आओ देखो। जीरोस फाइंड करने हैं। कोई बात नहीं, देखो पी एक्स हमारे पास में है, सी एक्स माइनस ए बी, क्या बेटा पी एक्स इक्वल टू सी एक्स माइनस ए बी। एक्स केवल वेरिएबल है, ए बी क्या है? कॉन्स्टेंट। सी क्या है? कॉन्स्टेंट। चलो ए बी सी कर देते हैं ना, सी एक्स माइनस ए बी सी, ये पॉलीनोमियल है। क्या फाइंड आउट, क्या करना है फाइंड आउट? जीरोस, ये बहुपद है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या बताया मैंने, पी एक्स की जगह पर क्या लिखना है? जीरो। क्या लिखना है? पी एक्स की जगह, पी एक्स की जगह, की जगह, जगह जीरो रखो, जीरो जीरो रखो, है ना। फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है ना। ये मैंने हिंदी में लिखा है जानबूझ के, तक तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। तुम भूल जाते हो, नहीं तो ये कैसे निकालते हैं जीरोस, जीरो कैसे निकालते हो, भूल जाते हो ना। सुनो, तो पी एक्स के जगह पे क्या लिखा बताओ? जीरो, ये लिख दिया जीरो। यहां कितना है? सी एक्स माइनस ए बी सी लिख दिया। तो आप इसको देखो ऐसे ही लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? सी एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी। बेटा पहले समझा करो तो क्या है ना, फिर लिखा करो। तो बताओ सी एक्स तो वेरिएबल वाला टर्म है, ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म है, ये उधर भाग जाएगा, ये उधर, तो ए बी सी हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकालोगे बताओ? ए बी सी अपॉन सी, है ना। तो नीचे सी सी क्या होगा, आउट। x की वैल्यू कितनी हुई? ए बी। कितनी हुई? हाँ, समझ में आया। अभी तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, और देखो अभी अगला क्वेश्चन हम इधर लिख रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू है थ्री एक्स माइनस नाइन, 4x माइनस टू। बताओ यहां पर क्या होगा पॉलीनोमियल का? जीरो। Px इक्वल टू 4x माइनस टू, आप ट्राई करो, मुझे बताओ कितना आएगा निकल के वैल्यू, निकालो। देखो क्या निकालना है इसके? जीरो, मतलब शून्यांक। तो Px की जगह पे क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो इक्वल टू 4x माइनस टू, यहां कोई दिक्कत नहीं? अरे नहीं ना, देखो तो क्या करना है, 4x माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है ना, कन्फ्यूज मत होना। अब ये देखो माइनस का टू है ना, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, क्या है? ये वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को अलग अलग कर देंगे। तो मैंने कहा फोर एक्स भाई साहब तुम यही रहो, टू भाई साहब उधर जाओ, तो टू भाई साहब ने कहा हम उधर जाएंगे तो अपना साइन बदल लेंगे, साइन बदल लिया, माइनस का था ना प्लस का हो गया। और एक्स के साथ बताओ फोर किस में है, मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना इधर 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 इधर, तुमको पास ब्रेन है ना, इधर ब्रेन में ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? ये होता है मिड ब्रेन, ये होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पीछे का दिमाग, हमारा हो गया इधर फोर ब्रेन।
फोर ब्रेन से हम लोग सोचते हैं। यहां से सोचो, देखो तो 4x = 2 आ गया, x = कितना, 2/4 हो गया, 2/4। अब ऐसे लिखेंगे ना, देखो अब ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, एक ही टेबल में दोनों आता है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा, x = कितना, 1/2 हो गया। तुमने क्या किया होगा, 4/2 लिख दिया होगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऊपर 2 आ गया, ये गलती करी है ना, कॉपी करो फिर आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन समझाता हूँ, करके दिखाना, हो गया ये, आगे आ जाओ, चलो देखो आगे आ जाओ, तुम लोग गलतियां मत करना इस बार। देखो px = हमारे पास में है 14y - 49, तो यहां पर क्या हो गया, अब ये y के टर्म में आ गया ना, तो कोई बात नहीं, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, पहले x था अब y है ना, जहां पर x था वहां y, क्या दिक्कत है, करो कॉपी, और यहां से बताओ y की वैल्यू क्या निकले, मतलब 0 निकाल लो इसका, 0 जो पॉलीनोमियल निकालेंगे हम लोग बच्चा, बताओ 7/2 क्यों आएगा, तुम्हारा कितना आया, 49/14, तुम्हारा कितना आया, 2/7। आओ चेक करते, देखो क्या निकालना है बेटा, जीरोज निकालने हैं, तो 14y - 49 = 0 रखेंगे, यहाँ किसको दिक्कत, ये कौन है वेरिएबल वाला टर्म, ये कहाँ जाएगा बेटा, इधर कहाँ जाएगा बच्चा, ये इधर, तो 14y = कितना आएगा, 49 नहीं आएगा इधर, हाँ इतना आया समझ में, अब यहाँ कितना है y, बड़े यहाँ देखना है पहले, अभी नहीं लिखना, यहाँ y मल्टीप्लाई में है, तो बेटा कांस्टेंट टर्म जो y है ना, ये सॉरी ये 14 है, उसी तरह भेजेंगे, तो y ये रखेंगे, 49/ कौन आएगा, 14, अब टेबल में आते हैं दोनों, किस 7, तो 7 2 जा और 7 7 जा, तो y इसको कितना आया, 7/2, कितना कितना आया सबका, आया लेकिन मैंने x गलती से लिख दिया, y कर दो x के स्थान पे ना, कोई बात नहीं, आया सबको समझ में, अच्छा ठीक है, तो तुमको निकालना आ गया जीरोस। अब हम देखेंगे किसी पॉलीनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, आ जाओ तो मतलब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू। देखो हमसे क्या बोला, हमसे बोला px = कितना है, अरे यहां देखो पहले इधर, अभी मत लिखो, px = है 4x - 3, 4x - 3, हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, हमें निकालनी है एट x = 3, अरे भैया गलती, 8 at x = मान लो -2 पर निकालनी है, क्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो p जहां x हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे बेटा, हमें x = -2 पर निकालना है ना इसकी वैल्यू, हम किसी पॉलीनोमियल का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, कहां x की गिवन वैल्यू पर, यहां पर y होगा तो y की = देगा, ठीक है ना, अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, तो यहां हम लिखेंगे -2, अब यहां 4 - -2 - 3, दिक्कत तो नहीं, देखो 4 से कितना -8 हो गया और -3, तो -8 - 3 - 11, कितना होगा ये वैल्यू, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आ गया, बताओ ये सब चीज ठीक है, ये नंबर माइनस का है, ये नंबर भी माइनस का है बेटा, अगर दो नंबर माइनस के हो तो ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस,
दोनों ऐड हो गए 11 होता है और साइन माइनस का आ गया। साइन माइनस का लगाते हैं, है ना। पहले 8 रुपए लिए थे कर्ज, फिर 3 रुपए और लिए कर्ज, कितने रुपए लिया आपने कर्ज? 11 रुपए। कर्ज का मतलब होता है माइनस, है ना। करो कॉपी। अगला देखो, अगला सेकंड, पी एक्स हमारे पास है क्या? पी एक्स हमारे पास है 13 और पी एक्स यहां पर पी वाई कर दो, है ना, पी वाई माइनस 13 117। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है y इक्वल टू माइनस 2 पर। बताओ कितनी वैल्यू आएगी निकल के इस पॉलीनोमियल की वैल्यू y इक्वल टू माइनस 2 पर। यहां मैं एट लिख रहा हूं, एट y इक्वल टू माइनस 2। निकालो इसकी वैल्यू, बताओ निकाल के कितना आएगा। देखो 13 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 117, माइनस 26 माइनस 117। अगर हम इसे कर दें ऐड कितना आएगा 143। आ गया समझ में? बोलो आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करना है, अब चेक करने वाला क्वेश्चन सीखेंगे। कौन सा चेक करने वाला? तुम्हें हम बोलते हैं चेक वेदर। क्वेश्चन क्या है बेटा? चेक वेदर गिवन वैल्यू इज जीरो, इज जीरोस और नॉट। जांच कीजिए कि शून्य है या नहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे? जांच कीजिए शून्य है या। कैसे करेंगे जांच? ले भैया दुर्राडे कार्ड ले ले हम, ओ एक अभी कर दें सॉल्व फटाफट से, करें सॉल्व। चलो बताओ, हमने कहा पी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 1। क्या करना है? ये x इक्वल टू 1 इसका जीरो है या नहीं? जीरो है या नहीं कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे x के स्थान पर पी वन। लिखो पी वन लिख दिए। अब सुनो 4 इंटू 1 माइनस 2 करना है। पहले यहां देखो 4 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, हो गया नहीं हो गया? अच्छा 4 वन जा 4 माइनस 2, 4 में 2 गया तो 2। क्या जीरो है ये? अगर वैल्यू ये वाली जो x की दी जाएगी इसमें रखने पे जीरो आ गया। एक तो देख, अगर वैल्यू x की यहां रखने पे क्या आ गया तो बोलेंगे ये वैल्यू जीरो है इस पॉलीनोमियल का। अगर नहीं आया तो जीरो नहीं है। तो हम यहां लिखे देखो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। खत्म, इतना करना है। अगर होता तो लिखते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, एक रुपए वाला क्वेश्चन और लिखेंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू कितना 6x माइनस 18 एट x इक्वल टू 3। चेक करो जीरो है या नहीं है, इसे लिखो, इसे चेक कीजिए, है ना। करो चेक फटाफट से, चेक करो, चेक करो। देखो चेक करते हैं, आ जाओ। पी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे पर इधर देख भाई, वहां लिख मत, समझ पहले। एक्स के स्थान पर हम लोग 3 लिखेंगे तो 6 इंटू 3 हो जाएगा। क्या जाएगा? तुमने ऐसा कहां लिखा? नहीं लिखा ना, क्यों नहीं लिखा? अभी ऊपर तुम्हें मैंने 4-5 क्वेश्चन कर करके दिखाया, तब समझ में नहीं आया बेटा, ध्यान से समझो, है ना। माइनस 18, बताओ 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 माइनस 18
कितना आएगा? 18 में से 10 गया तो 0 आ गया, 0 तो क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ px, px इज पॉलीनोमियल, px क्या है? पॉलीनोमियल है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3 इज पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल सॉरी उल्टा लिख दिया, px x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ पॉलीनोमियल px, है कि नहीं? पॉलीनोमियल px का क्या है? ये 0 है, समझ आया? नहीं आई बात तुमको समझ में? तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, है ना? चलो अब हमारे पास वो क्या है, एक्सरसाइज 2.2.2 कौन है? देखो इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है? ये तुम ले लो, है ना? अभी हम तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको 2.2 दिख रहा है, क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्या है पॉलीनोमियल? हमारे पास पॉलीनोमियल है तो एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? 2.2 है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास पॉलीनोमियल है, 5x ही तो है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये तो है, ये है ना पॉलीनोमियल बेटा, फर्स्ट उधर क्वेश्चन है, ये नहीं है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, क्या करनी है? तो आप इसको लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया, x इज इक्वल टू कितने पर? 0 पे फाइंड आउट करनी है, फिर क्या करनी है? ये फर्स्ट में करना है, सेकंड में क्या? x इक्वल टू माइनस 1 पे करना है, और फिर x इक्वल टू कहाँ करना है? 2 पर करना है, थर्ड पार्ट में, है ना? कर लोगे या एक दिखा दूं करके? अभी समझाया तुम्हें क्वेश्चन, सब ऐसे होंगे, है ना? कुछ नहीं करना है, देखो तुमको p x के स्थान पर क्या लिखो? 0 लिखो, क्या लिखो? फिर जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या लिखेंगे? 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू, देखो 0 के लिए ऊपर करना है स्क्वायर, क्या करना है? स्क्वायर ना इसके ऊपर, देखो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3, 0 इंटू 5 0, देख बेटा 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की इंटू होगी 4 में तो 0, प्लस 3 आएगा, कितना आएगा? ऐसे सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो 2 पर, कह रहा है P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखे बेटा, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, है ना, P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P1 की और P2 की। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, P0 करना है फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कह रहा है PY इक्वल टू क्या है हमारे पास? देखो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, कह रहा है P0 बताओ, फिर क्या बताओ? P1 बताओ, फिर क्या बताओ? P2, तीन वैल्यू फाइंड करना है, तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PY इक्वल टू कितना बताओ? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, है ना? कुछ नहीं करना, देखो P0 निकालो पहले, P0 निकालेंगे, चलो P0 खुद निकालना, मैं P2 निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? P2, हाँ P2, किसको P2? डंडे से P2, देखो देखो, तो 2 y की जगह पर क्या लिखूँ? 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 प्लस 1, बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1, देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी प्लस वाला, ये भी, तो 4 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 5, माइनस 2 कितना आया? 3, ऐसे सॉल्व करना है। P2 निकाला, P1 भी निकालना है, P1 निकालना है तो, ठीक है ना, P1 निकाल देना, घर पे करना, P0 भी निकालना, ठीक है ना? ऐसे ही तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो मैं सॉल्व कर रहे हैं सबको। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्या करना है? देखो इसमें चेक करना है, क्या करना है इसमें? क्या चेक करना है? कि जीरोज है या नहीं है, जीरोज है या नहीं? देखो ये हमसे यहां पर क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं, देखो जरा इसमें मैं क्वेश्चन करता हूं 7, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारे पास, तो 3 में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखो
पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 3x² - 1 है ना। कह रहा बेटा चेक करो, क्या करना है चेक, x = -1/√3 और 2/√3 चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि जीरो है या नहीं है। क्या करते हैं देखो, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू कितना 1/√3, क्या लिखेंगे 1/√3। तो पी एक्स से पर क्या लिखेंगे, रूट थ्री, 1/√3 लिख दिया। ध्यान से देखो इधर, वन देखना माइनस का यहाँ पे, अच्छा ये माइनस है तो माइनस है ना, माइनस देखो तो थ्री बेटा इधर देख, वन देखना इस बार कॉपी में, 3 × 1/√3 ये माइनस का है तो स्क्वायर माइनस वन, ठीक। देखो 3 × बताओ माइनस वाले का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे ना। अच्छा वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। बेटा अगर रूट थ्री लिखा हो, हमें इसका स्क्वायर लिखना हो तो ओनली थ्री लिखते हैं, ओनली यहाँ लिखेंगे 1/3 - 1, 3 3 कैंसिल आउट हो जाता है, इंटू डिवाइड में है ना, तो यहाँ क्या बचा बताओ 1 - 1 = 0, तो 1/√3 = 0। अब चेक करोगे 2/√3 के लिए, 2/ तो यहां करेंगे चेक, देखो पी 2/√3, समझ में आया, दोबारा लिख के दिखाता हूं, सुनो तो 3 × x² है ना, तो x² की जगह क्या लिखेंगे 2/√3, तो 2/√3² - 1, यहां कोई डाउट तो नहीं होगा, यहां डाउट है, हाँ डाउट है, कुछ नहीं डाउट। देखो 3 × बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो दो होशियार बच्चे हो गए, माइनस वन कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया तो 4 - 1 कितना आया 3, यहाँ 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, -1/√3 = 0 ओ पॉलीनोमियल पी एक्स एंड 2/√3 = not 0 ओ पॉलीनोमियल पी एक्स, समझ में आया, ये लिखना है, कॉपी करो प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो, है ना, तो हम इसमें लिख देंगे -1/√3 = 0 एंड 2/√3 = not 0 ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, ठीक है ना। तो यहां तक क्वेश्चन जो है ना बेटा, घर पे ट्राई करना, घर पे देख क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे ना जीरो फाइंड करने कह रहा है, क्या करने, क्वेश्चन नंबर 4 देना पढ़ के, ठीक है ना, इक्वल टू 0 लिख करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो उसे खुद से ट्राई करना, हो जाएगा ना, फिर मैं तुमको बताऊंगा अगली क्लास में बाकी, ठीक है, लो बुक, ठीक है, मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में, ठीक, राम राम, जय हिंद।